नमस्ते, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ है। यह हमला अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर हुआ है, जिसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं। इन घायलों में एक ट्रैफिक पुलिस का सिपाही, एक पत्रकार और 12 साल का एक बच्चा भी शामिल है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहली बार है जब आतंकियों ने सीधे तौर पर सुरक्षा बलों को चुनौती दी और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर ग्रेनेड से हमला कर दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे जो हमला हुआ है उसमें एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है जहाँ पे ग्रेनेड फेंका गया था, और ये तस्वीर है उस ऑफिस की जिसके बाहर ये हमला हुआ है। अब इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद इस तरह का ये पहला हमला है। हालांकि पिछले 60 दिनों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबरें लगातार आती रही हैं, लेकिन ग्रेनेड से हमले की ये पहली खबर है जब इनसे 370 हटा है। हमले में घायल हुए सभी 10 लोगों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है और सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इससे पहले पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच दो अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुल 6 आतंकवादी मारे गए थे। इस दौरान एक जवान भी शहीद हो गया था, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान घायल हो गए थे। अब भी कश्मीर में हालात खराब हैं और अब भी वहां पे सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। देश दुनिया की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। और अब तो दी लल्लन टॉप क्विज शो भी आ गया है, जो 5 अक्टूबर से आ रहा है न्यूज चैनल तेज पर। इसे होस्ट कर रहे हैं दी लल्लन टॉप के सरपंच सौरभ द्विवेदी। शनिवार रात 9 बजे, संडे सुबह 11 बजे और संडे को ही रात 8 बजे आप इसे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपने इस क्विज शो को वहां मिस कर दिया तो फिर इसे देखने के लिए देखते रहिए dilallantop.com, या फिर आप दी लल्लन टॉप के फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर और एंड्रॉयड ऐप पर भी इस क्विज शो को देख सकते हैं। देखते रहिए, पढ़ते रहिए dilallantop.com। शुक्रिया।